मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर. मान लीजिए कि हमारे पास दो वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर. दो वायर्स है वेरी लॉन्ग एंड पैरेलल. एक में करंट है आई वन, एक में करंट ले लीजिए आई टू. एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम इन बोथ द वायर्स. दो वायर्स है पैरेलल वेरी लॉन्ग सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी. दोनों का डिस्टेंस ले लीजिए डी. ठीक है, अभी बाहर से कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, हमने अभी कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया नहीं है. हाँ, ये आपस में इंड्यूस करेगा एक दूसरे पे. सो आज ये देखते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है. फोर्स फाइंड करना है हमें, मैग्नेटिक फोर्स. सो द करेंट कैरिंग वायर ये वाला विल इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एट द पोजिशन ऑफ द सेकेंड वायर. द करेंट कैरिंग वायर हैविंग करेंट आई वन विल इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एट द पोजिशन ऑफ द सेकेंड वायर. सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आई वन एट द पोजिशन ऑफ आई टू. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आई वन, ड्यू टू द वायर आई वन एट द पोजिशन ऑफ आई टू, एट द पोजिशन ऑफ आई टू. राइट, क्योंकि वेरी लॉन्ग वायर है ये और ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इंड्यूस कर रहा है. फॉर्मूला है म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर. बी वन इक्वल टू म्यू नॉट आई वन बाई टू पाई, सॉरी ये म्यू नॉट एक्चुअली, म्यू नॉट आई वन बाई टू पाई आर. आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द वायर. अभी फिलहाल हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है, यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं इस वायर के वजह से. यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, एक ही बात है, डिस्टेंस सेम है इस वायर से. सो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस फ्रॉम द वायर डी होगा, है ना. तो फॉर्मूला है म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर. आर में एक्चुअली डी होगा वैल्यू, और क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर रहा है इसलिए यहाँ पे आई वन होगा, आई टू नहीं होगा. जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर रहा था उसका करंट यहाँ पे पुट होता है. वॉट अबाउट डायरेक्शन? तो अगेन रूल ये है, करंट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए. राइट हैंड का है, फिर से करंट टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड. ये आंसर देगा आपको, ये हमेशा आपको आंसर देगा अगर आप ये रूल लगा रहे हैं तो. राइट हैंड का करंट इस तरफ है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन उस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड, राइट, इनसाइड द बोर्ड. दिख रहा है ना, करंट इस तरफ, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन उस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर, इनसाइड द बोर्ड, इनसाइड द प्लेन. उसे हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, पता है ना, एंड आउटसाइड को डॉट से. सो ये वायर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर रहा है एंड वो होगा इनसाइड द प्लेन, इस तरफ होगा. ठीक है, क्लियर है सभी जगह पे, यहां पे भी होगा बट अभी हम यहां पे फाइंड कर रहे हैं. नाउ द वायर आई टू मैग्नेटिक फील्ड में आ चुका है या फिर मैग्नेटिक फील्ड में है. क्योंकि आई टू मैग्नेटिक फील्ड में लाई कर रहा है तो उस पर फोर्स लगेगा. फॉर्मूला है वी आई एल साइन थीटा. सो फोर्स ऑन आई टू ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर आई टू, ऑन द वायर हैविंग करेंट आई टू, फोर्स ऑन आई टू ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट वायर. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वायर की वजह से ही आ रहा है एट द पोजिशन ऑफ सेकेंड वायर. राइट, तो फोर्स का फॉर्मूला है, ये हम लोग फोर्स फाइंड कर रहे किस पे, टू पे एंड ड्यू टू वन. पहला वाला सब्सक्रिप्ट होता है ऑन एंड दूसरा वाला होता है ड्यू टू. सो अभी हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं ऑन टू ड्यू टू वन. फोर्स का फॉर्मूला है बी आई एल. तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे जितना है जो कि बी वन से हमने डिनोट कर रखा है, आई जिस पे फोर्स लग रहा है उसका करंट, बी आई एल, आई बी आई एल, बी आई एल साइन थीटा. थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा क्योंकि एंगल बिटवीन द लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री है. लेंथ है इस साइड और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, 90 डिग्री एंगल बनेगा. राइट, वैल्यू पुट कर दीजिए. सो म्यू नॉट आई वन
बाई 2πd, और यहाँ I2 एक पहले से है, L है, तो ये आपका हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, राइट। एंड व्हाट अबाउट डायरेक्शन ऑफ फोर्स? फिर से वही रूल, फिर से ये करंट है, बट ये दोनों चेंज हो चुका है थोड़ा, फिर से ये करंट है। फोर्स किस तरफ लगेगा इस पे? तो करंट है इस तरफ, मैग्नेट फील्ड है इनसाइड, तो फोर्स लगेगा इस साइड। मिडिल फिंगर विल गिव यू द आंसर हमेशा, अगर आप ये रूल लगा रहे तो, राइट हैंड, राइट हैंड ये वाले रूल। तो करंट आपका हमेशा ये होता है, करंट मैग्नेट फील्ड है इनसाइड, ये आपका मैग्नेट फील्ड है फिलहाल, करंट मैग्नेट फील्ड है इनसाइड, तो फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द फर्स्ट वायर, राइट। करंट ऊपर, मैग्नेट फील्ड इनसाइड, तो फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द फर्स्ट वायर। सो ये होगा फोर्स टुवर्ड्स द फर्स्ट वायर, टुवर्ड्स द फर्स्ट वायर, राइट। सो ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली हम लोग फाइंड करेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, क्योंकि ये वायर भी यहां मैग्नेट फील्ड इंड्यूस करेगा, राइट। सो नाउ सिमिलरली करके हम फिर से बात कर रहे हैं, वही मैग्नेट फील्ड फाइंड करेंगे, फिर फोर्स फाइंड करेंगे, है ना। इसका मैग्नेट फील्ड फाइंड करेंगे यहां पे, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो फाइंड कर लेंगे, फॉर्मूला सेम है। सो मैग्नेटिक फील्ड एट I1, एट द पोर्शन ऑफ फर्स्ट वायर, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आई टू एट द पोर्शन ऑफ द फर्स्ट वायर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I2 एट द पोर्शन ऑफ द फर्स्ट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I2 एट द पोर्शन ऑफ द फर्स्ट वायर एट I1, मैं लिख दे रहा हूँ। सो उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं B2 से, फॉर्मूला है म्यू नॉट I बाई 2πr। मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कौन कर रहा है? ड्यू टू I2, जो मैग्नेट फील्ड यूज करेगा उसका करंट यूज होगा यहाँ पे, है ना। म्यू नॉट I बाई 2πr, आर का वैल्यू डी है, इस वायर से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस, राइट। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा यहाँ पे इस वायर की वजह से? फिर से ये रूल लगाइए, करंट ऊपर, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इस बार इस तरफ है, करंट है ऊपर, इस वायर का हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे फाइंड करना है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अभी हमारा ये है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अभी हमारा ये है। तो करंट है ऊपर, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है इस तरफ, तो मैग्नेट फील्ड होगा इस तरफ आउटवर्ड, ठीक है ना। करंट है, ये आपका करंट थंब, करंट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो इट वुड बी दिस साइड, सो डॉट आउटवर्ड, है ना, अवे फ्रॉम द बोर्ड, तो उसे हम डॉट से डिनोट करते हैं, तो मैग्नेट फील्ड यहाँ पे होगा आउटवर्ड, राइट। तो यहाँ पे मैग्नेट फील्ड हो गया आउटवर्ड, है ना। चलिए अब क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट फील्ड आ चुका है, तो अब ये वायर I1 मैग्नेट फील्ड में लाई कर रहा है, इस मैग्नेट फील्ड में, तो उस पर फोर्स लगेगा, फिर से वही फॉर्मूला BIL। सो फोर्स ऑन I1, मैग्नेटिक फोर्स ऑन I1 हम फाइंड कर रहे हैं, ऑन द वायर हैविंग करेंट I1 ड्यू टू I2, ड्यू टू द वायर हैविंग करेंट I2, राइट। फॉर्मूला वही है, बिल साइन थीटा। सो अभी हम फाइंड कर रहे हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, है ना। सो फॉर्मूला है बिल साइन थीटा, बी यहाँ पे जितना मैग्नेट फील्ड है जिसको हमने B2 से डिनोट किया है, ये मैग्नेट फील्ड को हमने B2 से डिनोट किया है, और यहाँ वाला मैग्नेट फील्ड को हमने B1 से डिनोट किया था, राइट, है ना। चलिए तो फॉर्मूला है बिल साइन थीटा, तो B2 जो यहाँ पे मैग्नेट फील्ड है, और करंट हमारा होगा I1, है ना, क्योंकि जिसका करंट होता है उसका हम पुट करते हैं बिल साइन थीटा में, जिस पे फोर्स लग रहा है, तो I1 L साइन थीटा, साइन थीटा फिर से 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ और लेंथ है ऊपर, है ना, लेंथ है सॉरी करेंट, हाँ एक ही बात है, जिस तरफ करेंट होगा उसी तरफ लेंथ होगा, तो लेंथ है ऊपर, जिस तरफ करेंट का डायरेक्शन होगा लेंथ हम उसी तरफ लेते हैं, तो अभी करेंट ऊपर जा रहा है तो लेंथ हम ऊपर लेंगे, करेंट अगर नीचे जा रहा होता तो हम लेंथ को नीचे लेते हैं, फिलहाल लेंथ है ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, राइट, एंगल है 90 डिग्री आप देख सकते हैं, है ना, तो साइन 91 हो गया। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, B2 का वैल्यू है आपका
यहाँ कर लेते हैं, बी टू का वैल्यू म्यू नॉट आई टू बाई टू पाई डी, ये हमने बी का वैल्यू पुट कर दिया, आई वन और एल भी है यहाँ पे, आई वन और एल भी है। वॉट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फिर से वही रूल, ये करेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं करेंट ऊपर है ना, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है आउटवर्ड, तो फोर्स लगेगा इस तरफ है ना, इस तरफ करेंट है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड अवे फ्रॉम द बोर्ड, तो फोर्स लगेगा टूवर्ड्स द सेकेंड वायर, सो फोर्स होगा टूवर्ड्स द सेकेंड वायर, टूवर्ड्स सेकेंड वायर है ना। अच्छा आपने ये नोटिस किया ना कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन का जो आंसर आया है मैग्नीट्यूड, एंड फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू का जो आंसर आया है मैग्नीट्यूड सेम है राइट, बट डायरेक्शन इस पे लग रहा है टूवर्ड्स द फर्स्ट वायर फोर्स, इस पे और इस पे लग रहा है टूवर्ड्स द सेकेंड वायर, मतलब इस पे फोर्स लग रहा है टूवर्ड्स द फर्स्ट वायर मतलब इस तरफ, और इस पे फोर्स लग रहा है टूवर्ड्स द सेकेंड वायर मतलब उस तरफ, तो बेसिकली दोनों पे फोर्स ऐसे लग रहा है, इफ दे विल अट्रैक्ट ईच अदर राइट है ना, इस पे फोर्स लग रहा है उस तरफ और उस पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। बट अगर डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट होता, एक में करंट जा रहा है ऐसे I1 और I2 में करंट अगर नीचे जा रहा होता तो मैग्नीट्यूड तो सेम आता, डायरेक्शन अगर आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि दे विल रिपेल इच अदर, आप चेक करके देख लीजिए। तो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टा होता किसी एक का, सच दैट कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है इस पे ऊपर और इस पे नीचे, या फिर उल्टा ले लीजिए इस पे नीचे और इस पे ऊपर, जो भी हो डायरेक्शन ऑफ करंट अगर सेम नहीं हुआ अपोजिट हुआ तो दे विल रिपेल इच अदर, इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ और इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ राइट, दे विल रिपेल इच अदर। और क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम है एंड डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप ये लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन बट माइनस ऑफ, अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स ऑन वन जितना होगा उतना ही फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट होगा इसलिए माइनस साइन राइट, एक पे फोर्स लग रहा है उस तरफ और उस पे फोर्स लग रहा है इस तरफ राइट, और जब रिपेल होगा तो भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट ही होगा, तो माइनस साइन फिर भी रहेगा। सो ये है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू एंड वो है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, दोनों का वैल्यू सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट है। फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो बाय एल कर दीजिए बोथ साइड, तो इसको भी एल से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी एल से डिवाइड कर दीजिए राइट, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा क्योंकि फोर्स का वैल्यू तो सेम आ रहा ना, तो आप ये यूज करें या ये यूज करें उससे फर्क तो नहीं पड़ रहा है ना, मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ तो एल से डिवाइड कर दीजिए इस तरफ भी इस तरफ भी, तो ये एल कट जाएगा इस तरफ तो एल रह जाएगा है ना, बट इस तरफ जब एल से डिवाइड करेंगे तो ये एल कट जाएगा ये वाले एल, तो आंसर आएगा म्यू नॉट आई वन आई टू बाय टू पाई डी, सो दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, ऑन यूनिट लेंथ ऑफ द वायर फोर्स इतना लगेगा म्यू नॉट आई वन आई टू बाय टू पाई डी। सो बस इतना ही।